इतना बढ़िया लग रहा है ना बुक बनाया हुआ। एंड ये हमेशा एक चाय की टपली रहती है यहाँ पे, चाहे कभी भी आ जाओ यहाँ पे चाय और ब्रेड मिल ही जाएगी। ठीक है जी, यहाँ पे तो ग्रूम कॉल की लग रही है एंड वहाँ पे ब्राइड कॉल की लग रही है। तो गाइस यहाँ पे एक 360 स्लो मोशन बूथ है, ठीक है जी, इसके ऊपर सब खड़े होकर ऐसे डांस कर रहे हैं एंड उनकी 360 में वीडियो बनेगी ग्रुप में। इडली, आलू और इडली का क्या मिक्सचर है भाई, मेरे को देना यहाँ पे पैर में डालना। तो गाइस अपना हल्दी का प्रोग्राम खत्म हो गया, ठीक है जी, कि सारे फायर क्रैकर्स रेडी कर दिए। तो अब एक काम करते हैं, यहीं से ट्रांजिशन डालते हैं, इससे यहाँ पे एंड इवेंट शुरू इन 3, 2, 1। ब्राइड कहाँ गई, फिर से ब्राइड दिखाऊंगा, बट अभी डिनर दिखाऊंगा, पूरा बुफे दिखाऊंगा, बहुत बढ़िया लगा हुआ आज। और आज यहाँ पे एक स्पेशल डिश भी है, स्पेशल तो नहीं अभी ये पूरा ट्री ब्लेसिंग से भर जाएगा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वेडिंग व्लॉग। तो गाइस आज हम लोग आए हुए हैं भिवाड़ी में, भिवाड़ी पड़ता राजस्थान में, यहाँ पे एक होटल है ट्री हाउस करके, ये रहा ट्री हाउस करके है भिवाड़ी में राजस्थान में। आज यहाँ पे है हमारा इवेंट, या फिर कह लो आज यहाँ पे है हमारे इवेंट्स, क्योंकि अभी सुबह पहले हल्दी होगी, फिर शाम को शादी होगी, फिर रात को रिसेप्शन है, मतलब 3 इवेंट्स है इस सिंगल व्लॉग में, ठीक है, सारा दिखाऊंगा। एंड क्वालिटी अगर थोड़ी सी लो हो जाए तो प्लीज क्षमा चाहूंगा, क्योंकि आज मैं जो व्लॉग बना रहा हूँ ये बना रहा हूँ फोन से, आज मेरे पास कैमरा नहीं है, मैं कैमरा घर पे ही रह गया, मतलब कह लो भूल गया जो भी है काम के चक्कर में, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको पूरा ट्री हाउस दिखाता हूँ, पूरी डेकोर दिखाता हूँ और पूरे इवेंट दिखाऊंगा, ठीक है, लेट्स गो। तो गाइस ये हमारी एंट्रेंस, ठीक है जी, बहुत प्यारी लग रही है, लेट्स गो अंदर चलते हैं, थोड़ी देर में हल्दी का इवेंट भी शुरू हो जाएगा, बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ पे, पूल एरिया थोड़ा सा छोटा सा, ठीक है जी। यहाँ पे अपना रिसेप्शन एरिया, लॉबी एरिया कह लो, ये एंट्रेंस है ट्री हाउस की। बढ़िया लग रहा है ना बुक बनाया हुआ। अच्छा ये इनके सारे इवेंट्स लेके मैं कब कहाँ पे है। ये बुक मेरी हाइट्स भी बड़ी है। ये हम आ गए ट्री हाउस होटल के अंदर, ठीक है जी। वाह गणेश जी कितने प्यारे बना रखे हैं, ठीक है। एंड ये हमेशा एक चाय की टपली रहती है यहाँ पे, चाय कभी भी आ जाओ यहाँ पे चाय और ब्रेड मिल ही जाएगी। ये चाय मिल जाएगी, मिल जाएगी, कोई बात नहीं, पूरा दिन ही मिलती रहती है चाय। सेंटर में फाउंटेन एंड ठीक है, ये हमारे कपल का हैशटैग है, ये पूरा ट्री हाउस अंदर से, ठीक है, ऊपर सारे रूम्स ही रूम्स है गेस्ट के, डेस्टिनेशन वेडिंग है, बहुत बढ़िया। मैं आपको अब सीधा हल्दी में लेके चलता हूँ। A few moments later. तो गाइस यहाँ पे हमारे ग्रूम को हल्दी लग रही है, ठीक है, पूल के बिल्कुल बीचों बीच सेटअप बनाया गया है।
यहाँ पे तो ग्रूम कॉल की लग रही है एंड वहाँ पे ब्राइड कॉल की लग रही है। बहुत बढ़िया सेटअप है यार। यहाँ पे एक 360 स्लो मोशन बूथ है, ठीक है, जिसके ऊपर सब खड़े होकर ऐसे डांस कर रहे हैं एंड उनकी 360 में वीडियो बनेगी ग्रुप में। ये मशीन है इसके ऊपर खड़े हुए हैं, मैं यहाँ पे वीडियो अटैच कर दूंगा कि ये वीडियो बन के कैसी आती है। नीचे तू कहे तो बन जाऊं डीजे, दिन रात बजाऊं गाने हिंदी इंग्लिश नए पुराने। यहाँ पे लग रही है, मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा माहौल जम चुका है। अपना नॉर्मल ब्रेकफास्ट है, ठीक है जी, टोस्ट, जूस, फ्रूट्स, चॉकोस, मिल्क, फ्राइज, आलू, इडली, आलू और इडली का क्या मिक्सचर है भाई। एंड ये तो कुल्फी, कुलचे, अच्छा छोले कुलचे, ठीक है भैया। ये बात है फिनिश है, मतलब इसकी जगह सैंडविच लग गया। अच्छा जी, बन से लगे सैंडविच का, ये भी बन ही लग रहे हैं भाई। ये पाव भाजी, पाव भाजी भाई। एक चीज नोटिस करना, अभी पूल कितना साफ लग रहा है, कितना क्लीन है, अभी थोड़ी देर बाद देखना इसी पूल की हालत। हवा ही नहीं, अभी रुकता मेरे को देना, यहाँ पे पैर में डालना। तो गाइस अपना हल्दी का प्रोग्राम खत्म हो गया, ठीक है जी, एंड अब इनकी वेडिंग है सीधा डायरेक्ट शाम को। थैंक यू भैया, मजे करेंगे, ठीक है। मजे आते यार। तो भाई हमारे शाम के दूल्हे के ड्रेस के शूट हो रहे हैं, ले रहे हैं। अभी ब्राइट का भी ले लेंगे। भैया ब्राइट का ले लिया है, लेना है अभी? ले लिया, कोई बात नहीं, मैं आपको सीधा वेडिंग ब्लॉग दिखा दूँगा। तो भाई ये वेडिंग की प्रिपरेशन चल रही है रात की, ठीक है, यहाँ से हमारे कपल चलते हुए आएंगे, ठीक है, एंड यहाँ आपके ऊपर उनकी जयमाला होगी। तुम आप देख सकते हो कि सारे फायर क्रैकर्स रेडी कर दिए हैं, ठीक है जी, यहाँ पे खड़े होकर जयमाला होगी, सामने बैठेंगे फेरों के लिए, ठीक है जी। मैं सब दिखाता हूँ, अभी जो प्रिपरेशन हो रही है सिर्फ वही दिखा रहा हूँ, जब तैयार हो जाएगा तब भी सारा दिखा दूंगा, ठीक है जी। यहाँ पे फेरे होंगे रात को एंड यहाँ पे जो गेस्ट वगैरह बैठेंगे, फिर तक मैं रुकूंगा नहीं, मैं चला जाऊंगा क्योंकि कल एक और वेडिंग है। एंड ये हमारा पूरा लॉन है बाहर का, वहां पे स्टेज है, मैं दिखा दूँ, स्टेज दिखा दूँ। ये एंट्रेंस होगी, यहाँ पे सारा खाना होगा, क्योंकि सारी प्रिपरेशन चल रही है, देख रहे पेंट हो रहा है, ठीक है जी, एंड वो रहा हमारा स्टेज वहां पे। वो रहा स्टेज एंड ये बिल्कुल सेंटर में बार है हमारा, बिल्कुल
सेंटर में बाहर है। अब इसको यहाँ पे शीशे वीशे सब लगेंगे, ठीक है जी। स्टेज है यहाँ पे, डीजे है, एंड शायद यहाँ पे हम अपना 360 करेंगे दोबारा से, जो सुबह दिखाया था ना बहुत बढ़िया था वो करेंगे। एंड यहाँ पे सारे गेस्ट वगैरह बैठेंगे, यहाँ पे सारा स्नैक्स होगा, सब दिखाऊंगा भाई, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, इसे ट्रांजिशन डालते हैं इससे यहाँ पे, एंड इवेंट शुरू इन 3, 2, 1। तो गाइस 99% ऑफ द डेकोर इज कंप्लीट, ठीक है। ये बाहर सेटअप हो रहा है वो दिखाऊंगा, एंड स्टेज पे भी थोड़ा सा ही काम रह गया। ये अपना साउंड पूरा ओके है, ठीक है। अब ये भी सुनाएंगे, बेसिकली क्या है, बाहर जो है ना वो बारात आ चुकी है, ठीक है। तो मैं आपको सब दिखाता हूँ यहाँ पे, देखो ये भी झूमर लग रहे हैं यहाँ पे, ये चार झूमर होंगे टोटल, एक वहां पे लगेगा, 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये ऐसे ऊपर लग जाएंगे, 1, 2, 3, 4। इस पे भी लाइट जलेंगी, दिए जलेंगे, वहां पे भी दिए जलेंगे, वहां पे दिए जल गए हैं। मैं बाहर लेके चलता हूँ आपको, लेट्स गो। बहुत ही प्यारा लग रहा है यार, लग रहा ना जबरदस्त है ना, जबरदस्त लग रहा ना, बहुत बढ़िया यार। इस पे भी कलर चेंज होते हैं, बार 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 कलर चेंज होते रहते हैं। बारात आ गई है। अब कपल हमारा फेरों पे है, ठीक है जी। एंड वहां पे भी रिसेप्शन ऑन हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। वैसे तो सारे गेस्ट वहीं पे ही है, फेरों पे कोई भी नहीं है, बट फिर भी दिखाना हमारा फर्ज है। ब्राइड कहां गई, फिर से ब्राइड, तो भाई आ गई हमारी ब्राइड। तो गाइस हमारे ब्राइड एंड ग्रूम आ गए हैं फेरों से, ठीक है, फॉर द रिसेप्शन। अब इनका एंट्री फोटो शूट हो रहा है। अब रिसेप्शन का टाइम है, बट पूरी रिसेप्शन कवर नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को जाना है यहाँ, ठीक है। तो आधी दिखाऊंगा, बट अभी डिनर दिखाऊंगा, पूरा बुफे दिखाऊंगा, बहुत बढ़िया लगा हुआ आज। और आज यहाँ पे एक स्पेशल डिश भी है, स्पेशल तो नहीं कॉमन है, बट उनको स्पेशल तरीके से दिखाया गया।
के ऊपर, याद है जो मैंने आपको पहले दिखाया था, अब लोगों ने अपनी ब्लेसिंग लिख दी है गेस्ट ने। अभी ये पूरा ट्री ब्लेसिंग से भर जाएगा, ये सारी फोटोज रखी हुई है, सब अपनी ब्लेसिंग लिख देंगे यहाँ पे, बेस्ट विशेस। तो गाइस अब हमारे जो ब्राइड एंड ग्रूम है वो डिनर के लिए बैठ गए हैं ये, ठीक है जी। तो मैं आपको एक बार थोड़ा डिनर सिस्टम भी दिखा देता हूँ, हमारा डिनर शुरू है वहां से बेसिकली। यहाँ से शुरू करते हैं, ये है सलाद सारी, ठीक है जी, यहाँ प्लेट्स, यहाँ पे लाइफ पास्ता, लाइफ पास्ता के बाद पनीर बटर मसाला, सरसों का साग, मलाई कोफ्ता एंड तंदूरी चाप मसाला, ठीक है जी। ये है ग्रिल्ड वेजिटेबल्स, ये है वेज थाई करी, लसगाने, इसको लसगाने कहते हैं, इसने पता नहीं लसनिया क्यों लिखा हुआ है, आई डोंट नो। ये अपना तवा वेजिटेबल, ये पतनी मिर्च के पकौड़े आई गेस, ये बिरयानी हैदराबाद बिरयानी, ये है स्विफ्ट चाइनीज ग्रीन, आई डोंट नो, मैंने खाई नहीं आ रही है। एंड ये तो दाल तड़का है, चावल हो गए, ये अपनी दाल मखनी हो गई, ये येलो दाल हो गई। हाँ मैं इसकी बात कर रहा था भाई, पता नहीं क्या नई चीज निकाली इन्होंने, जो भी है बंदा बहुत क्रिएटिव है। ओरियो लॉलीपॉप कसम से भाई, ओरियो के बिस्किट के नीचे टूथपिक लगा दी, ओरियो लॉलीपॉप बन गया। कोई बात नहीं भाई, नाइस ट्राई, बढ़िया लगा यार। अपना गाजर का हलवा, सर्दी आ गई है तो गाजर का हलवा तो हो गई, ठीक है। एंड ये है अपना मखना खीर, खीर मतलब मखाने की, ओके। एंड जलेबी आया है भाई, ठंड हो रही है यार थोड़ी सी, हाँ ठंडे हो बहुत, गर्म हो जाएंगे। कुल्फी उधर, थोड़े पापड़ वापड़ है एंड वहाँ पे कॉफी है, और वो बीच में ट्री मैंने दिखाया था, ठीक है, वो बैंड बहुत प्यारा है, ठीक है। एंड गाइस ये जो पूरा इवेंट है, जो आपने सुबह देखा था, सुबह से लेकर शाम तक जितनी डेकोरेशन देखी है सारी की गई है पर्पल पैच इवेंट की तरफ से। अब बिग बिग अ वेरी ह्यूज शाउट आउट टू देम भाई, क्या काम किया, इतना बढ़िया, इतना अमेजिंग काम करते हैं। मैं एक बार चीज की डेकोर भी दिखा के आऊं, एक मिनट देना। वाओ यार ये है पर्पल पैच का काम, इतना फाइन क्वालिटी के साथ, इतना नीट एंड क्लीन काम करते हैं ना, कोई बता भी नहीं सकता भाई, बहुत बढ़िया है यार, बहुत बढ़िया काम करते हैं। वेरी बिग शाउट आउट टू देम, ये टीम, फोटोग्राफी, एवरीथिंग, पर्पल पैच इवेंट, शाउट आउट टू यू गाइस। ये है अंदर से हमारा ट्री हाउस, ठीक है। सुबह तक यहाँ पे बहुत बढ़िया डेकोरेशन हो रखी थी, आपको दिख भी रहा होगा, बट अब सब हटा दिया है, ठीक है, बिकॉज टुडे इज द लास्ट डे ऑफ द वेडिंग, इसके बाद कल सारे गेस्ट चले जाएंगे। ये डेस्टिनेशन वेडिंग थी, बहुत बढ़िया सजा रखा था, वहाँ पे भी चल के दिखाता हूँ एक बार मैं आपको कि वहाँ पे क्या है। ये तो अंदर से है, ये अपना सारे ऊपर रूम्स है, ठीक है, डेस्टिनेशन वेडिंग करने के लिए बहुत ही बढ़िया जगह है ये एंजॉय करने के लिए। एंड वहाँ पे चल के दिखाता हूँ एक बार, देख रहे हो सारे पिलर्स हटा दिए हैं, ठीक है। एंड ये अपनी गणेश जी की मैंने सुबह दिखाया था, इसके ऊपर भी सारे रूम्स ही बने हुए हैं। तो गाइस मैं क्या कहता, अगर तो आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, ये विवाड़ी वाली वेडिंग जिसमें मैंने एक में ही आपको हल्दी भी दिखाई, वेडिंग भी दिखाई एंड रिसेप्शन भी दिखाई, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। और अमेजिंग वीडियोज देखने के लिए जुड़े रहे, थैंक यू सो मच।